हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको माँ लक्ष्मी का व्रत कथा गाकर सुनाऊंगी, बोलकर सुनाऊंगी। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो मैं माँ लक्ष्मी का कथा बोल के सुनाऊंगी, वो है सुख समृद्धि मिलने के लिए कथा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कथा बोलना स्टार्ट करती हूँ। वंदना स्वभाव की सरल, होशियार, मृदुभाषी और कार्य निपुण थी, फिर भी उन पर दुख के पहाड़ टूट पड़े। उनके दो पुत्र हुए, फिर अचानक उनके पति के स्कूटर एक्सीडेंट हुआ और उनके दोनों पांव कट गए। दाहिना हाथ भी क्षतिग्रस्त हो गया, मगर जान ही बच गई। घर की जवाबदारी वंदना पर आ गई। शादी को 4-5 साल ही हुए थे, काम भी नहीं था, सिर्फ एक फ्लैट था अपना। वह बहुत व्याकुल हो गई, किंतु बाहर से पति को जरा सा भी लगने ना दिया कि वह घबरा गई है। उसके पति को बहुत हिम्मत दी। सुख में सुनार, दुख में राम, यह कहावत अनुसार वंदना को भगवान याद आए। ऐसे संकट से तो भगवान ही बचा सकते हैं। वह सोचने लगी कि मैं क्या करूं तो मुझे रास्ता मिले। अचानक उसको याद आया कि उसकी सांता भाभी कुछ तकलीफ आने पर बार बार माँ वैभव लक्ष्मी व्रत करती है और बार बार उद्यापन करती है। वह यह व्रत की महिमा गाती है। एक उद्यापन में भाभी ने उसे भी बुलाया था और व्रत की पुस्तक दी थी। व्रत की पुस्तक वंदना ने अलमारी से एक कोने में रख छोड़ी थी। वह तुरंत उठी और वह पुस्तक खोज निकाली। खोलकर उसमें छपे हुए श्रीयंत्र लक्ष्मी जी के विविध स्वरूप की छवियां देखी। व्रत की विधि पढ़ी, व्रत की महिमा पढ़ी। उसे हुआ, मैं भी यह व्रत करूं, माँ लक्ष्मी अवश्य रास्ता दिखाएंगी। और उसने वहीं बैठे बैठे ही 11 शुक्रवार माँ वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी। उन्होंने सोचा मन ही मन कि क्यों ना मैं भी ये व्रत करूंगी, जिससे कि मेरी भी सारी विपदाएं दूर हो जाएगी। और वहीं बैठे बैठे ही उसने मन ही मन जय माँ लक्ष्मी माँ रटने शुरू कर दिया। शुक्रवार होते ही उसने पूरे भाव से माँ वैभव लक्ष्मी व्रत शुरू किया। 5वां शुक्रवार था। उस दिन वंदना की सखी उमा उससे मिलने आई थी। वे दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ती थी और बचपन की सहेलियां भी थी। दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा गहराई वाली मित्रता भी थी। दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे थी। वह दोनों अपने गृह जीवन में हो रहे उथल पुथल की चर्चाएं कर रही थी। वंदना ने अपने तकलीफों में सुनाकर उमा ने कहा, वंदना, तेरी तकलीफ दूर करने का एक रास्ता है, तू ब्यूटी पार्लर शुरू कर। तूने ब्यूटी पार्लर कोर्स भी किया है और तू चित्रकारी भी अच्छा कर लेती है, क्यों ना तुम ये दोनों में से एक चीज को शुरू करो। तुम्हें पैसा भी मिल जाएगा और तुम्हारे घर की जो भी अभी स्थिति है उसमें सुधार भी आ जाएगी। तुझे तो यह सब कितना अच्छा लगता है। तेरा मन भी था कि तेरा एक खुद का ब्यूटी पार्लर हो या तू चित्रकारी करके अपने चित्र को बाजार में बेच के पैसे कमाए, यह सब तेरी इच्छा थी, इसलिए तू यह सब जरूर कर। तू अपने फ्लैट में से एक रूम ब्यूटी पार्लर के लिए खाली कर ले और एक रूम चित्रकारी के लिए खाली कर ले, जिससे कि तुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा।
तू अपने परिवार को भी संभाल सकेगी, अपने पति को भी संभाल सकेगी और अपने ब्यूटी पार्लर और चित्रकारी को भी अच्छे से संभाल लेगी। हमारे पड़ोसी ब्यूटी पार्लर का फर्नीचर साधन सब बेचने वाले हैं, क्योंकि वे विदेश जा रहे हैं, उन्हें जल्दी है। हमारा संबंध भी बहुत घरेलू है, मैं तुझे कम दाम में ही सारा सामान दिलवाऊंगी। ठीक है, वंदना को यह सब बात जच गई। उसने मन ही मन सोचा कि मैं अपने पति की अनुमति कैसे मांगू, उन्हें ऐसा ना लगे कि जब मेरे ऊपर विपदा आई तो मेरी पत्नी वंदना मुझे छोड़कर अपने इस कार्य में अगर चले गई तो मेरा ध्यान कौन रखेगा, कौन मेरी सेवा करेगा, क्योंकि ना तो मेरे पास अभी पैर हैं और मेरा एक दाहिना हाथ भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण मैं ठीक से ना चल सकता हूँ, ना ही कुछ ले सकता हूँ। इसलिए वंदना सोचने लगी कि उसने तुरंत पति की अनुमति मांगी, कहा कि हे स्वामी, क्या मैं अपने कार्य गृहस्थ जिंदगी को और आगे बढ़ा सकती हूँ, क्या मैं अपने ही फ्लैट में एक ब्यूटी पार्लर खोल सकती हूँ। इसलिए पति को भी पत्नी घर में रहकर कुछ करे कोई ऐतराज ना था। पति ने कहा, तुम यह कार्य कर सकती हो, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वंदना कहीं जा तो नहीं रही है, वह घर में ही रहेगी, वह अपना ब्यूटी पार्लर भी चलाएगी और मेरा ख्याल भी रखेगी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वंदना, तुम ब्यूटी पार्लर और चित्रकारी कर सकती हो। इस तरह से वंदना के पति ने वंदना को अनुमति दी। तब वंदना ने उमा को कहा, तू जल्दी ही मुझे ब्यूटी पार्लर का सामान दिलवा दे, मुझे तेरी बात बहुत जच गई है, काम में भी होगा और जल्दी भी होगा, पति बच्चों का ध्यान भी रहेगा। 7 दिन में ही वंदना ने घर में ब्यूटी पार्लर खोल दिया। उसकी दोस्त ने उसका काफ़ी मदद की, उसकी सहेली ने सारे सामान सब लाके दिए और कहा कि वंदना, मैं सारे सामान सब लेके आ गई हूँ, तू अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती है। माँ धन लक्ष्मी की कृपा से एक ही माह में उसका पार्लर अच्छा जम गया। उसके पार्लर में काफ़ी आने लगे, काफ़ी लोगों का आना जाना हो गया, जिससे कि उसका पार्लर बहुत ही अच्छा चलने लगा। इस तरह से माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से वंदना को रास्ता मिल गया। एक ही साल में वंदना ने बहुत से पैसे कमा लिए, जिससे कि उसने अपने पति के देखभाल के लिए एक अच्छा सा कमरा भी बनवाया, अपने बच्चों के लिए अच्छे से स्कूल में नाम दाखिला करके उन्हें अच्छे से शिक्षित करने का मन में ठाना, और वंदना ने अपने ब्यूटी पार्लर को भी काफ़ी बढ़ावा दिया, काफ़ी बढ़ाया, जिससे कि उसके ब्यूटी पार्लर की रौनक भी बढ़ गई और वह ब्यूटी पार्लर बहुत ही ज़्यादा चलने लगी, वहाँ बहुत सारे ग्राहक आने लगे। उसने माँ वैभव लक्ष्मी का एक छोटा सा मंदिर भी बनाया अपने पार्लर में, और वहाँ पे वह उसने माँ वैभव लक्ष्मी की फोटो को रख के वहाँ पे रोज पूजा अर्चना करने लगी, धूप दीप जलाने लगी और कहा, हे माँ लक्ष्मी, मेरे ऊपर जिस तरह की विपत्ति आई थी, मैं तो बहुत घबरा गई थी कि अब मेरा क्या होगा, मैं किस तरह से अपने जीवन का कार्य करूँगी, किस तरह से मेरे पति को इस तरह से होने के बाद मैं उनका सेवा करूँगी, अपने बच्चों का ध्यान रखूँगी। माँ लक्ष्मी, अगर आप नहीं होती तो मुझे सब बुद्धि नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर पाती। इस तरह से करके उसने माँ लक्ष्मी के पैर छुए और उन्हें प्रणाम किया, कहा, हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर पे, हमारे जिंदगी में, दुकान पे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखे। वंदना ने अपने पड़ोस का फ्लैट खरीदा और उसमें एयर कंडीशनर ब्यूटी पार्लर भी खोला। 1 साल के बाद वंदना उस
पार्लर में बहुत सारे सामान ले आई। अब वो बहुत सुख से रहने लगी, उसके बच्चे भी बढ़ने लगे, उसे बहुत ही उन्नति रही। यह सब महिमा उसने माँ लक्ष्मी का व्रत की थी। उसने व्रत को बहुत ही श्रद्धापूर्वक किया और कहा, हे माँ लक्ष्मी, मैं इस व्रत को हमेशा करूँगी, यथा समर्थन मुझसे जब तक होगा मैं करूँगी, उसके बाद मैं इस व्रत को सौंपूंगी। यह सब कह के वंदना बहुत प्रसन्न हुई। अब उसके घर में खुशहाली थी, जितने भी दुख थे वो चले गई। ऐसा है माँ लक्ष्मी का व्रत की महिमा। तो फ्रेंड्स, कथा यही था। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसके भी पहले लक्ष्मी व्रत कथा का अपलोड कर चुकी हूँ, बहुत सारी आरतियाँ की हूँ, कथा की हूँ और बहुत सारे वीडियो अपलोड की हूँ। तो आपसे अनुरोध करूँगी कि आप मेरे सारे वीडियो को देखिए। आपको जो भी वीडियो पसंद आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। मैं और भी अच्छी अच्छी बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगले टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू।